प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के लिए किए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के विकास के लिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को 1500 करोड़ रूपए के इक्विटी इन्फ्यूजन को मंजूरी दी। इसके अलावा कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यालय को 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। कैबिनेट की बैठक के नतीजों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत फोकस किया है। 500 गीगावाट के लक्ष्य को निर्धारित किया गया और हम उस दिशा में आगे बढ़े। तय लक्ष्य को हमने समय से पहले पूरा किया। रिन्यूएबल एनर्जी की पावर जनरेशन क्षमता बढ़ने के साथ ही इसकी फाइनेंस की क्षमता बढ़ाने का फैसला किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।